हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैजिक रैम्पेज में सारे आइटम एकदम फ्री में कैसे लें। तो सबसे पहले आपको अपने गेम को खोलना है। अब आपको सबसे पहले सारे आइटम फ्री में लेने के लिए सबसे पहले आपका नेट बंद होना चाहिए। नेट हमारे पास बंद है, हमने बंद कर दिया। अब उसके बाद शॉप पे आना है सारे आइटम फ्री में लेने के लिए, विदाउट एनी हैक एनी मोड। सबसे पहले आपको जो सा आइटम को फ्री में लेना है उस आइटम को खरीदना है। खरीदने के लिए आपके पास 3500 टोकन होने चाहिए। तो मेरे पास तो अभी 3900 हैं, मेरे पास ज़्यादा हैं, तो मैं इस आइटम को ख़रीद लेता हूँ। खरीदने मेरे पास 400 बचे। अब इन्वेंटरी में भी देख लेते हैं। अब इस आइटम को यहीं पे बदल देना है। बदल दिया, हमारे पास हैगा। अब इसके बाद हमें शॉप से बाहर आना है। शॉप से बाहर आने के बाद हमें सीधे बैंक में जाना है और आपके ऊपर ये आना चाहिए कुडल सर्वर। ये आना है, आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो आपका कुछ भी सेव नहीं होगा। और आपने जो आइटम ख़रीदा है उस आइटम को यहाँ पर डिस्पोर्ट करना है बैग में आकर। मैंने कौन सा आइटम ख़रीदा था, ये वाला, तो इसको डिस्पोर्ट करना है। डिस्पोर्ट कर दिया। अब इसको चेक भी करना है कि विड्रो में है। हाँ, विड्रो में है। तो हमें सीधे अब गेम से बाहर आना है और हमारा ये कुडल सर्वर आना चाहिए, तभी हमारा हम फ्री में आइटम ले पाएंगे। अब इसके बाद बाहर आने के बाद गेम के सीधे बाहर आ जाना है और आपको जोन सा जिस स्लॉट में आपने वो आइटम ख़रीदा था उस स्लॉट को डिलीट करना है। वो थोड़े देर डिलीट होगा, पूरा डिलीट नहीं होगा, आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। अभी देखना, 2 मिनट के लिए बाहर आ जाना है। अब सीधे आपको नेट खोलना है। नेट खोलने के बाद मैजिक रैम्पेज को वापस से लगाना है। लगा लिया। अब थोड़ी रुकना है लोडिंग होने तक। ये देखिए, हमारा कैरेक्टर वापस से आ गया, हमारी कोई मेहनत बर्बाद नहीं गई। अब हमें देखना है, बैंक में जाना है। बैंक में गए, जोन सा आइटम हमने ख़रीदा था वो हमारे पास होगा, देख लेना। अब हम विड्रो में देखेंगे, वो आइटम है हमारे पास, ये रहा। जब आपको पहले जब आपको बैंक में रखना है तो आपके पास नेट बंद होना चाहिए, और जब आप वापस से इसको निकालेंगे तो आपके पास नेट खुला होना चाहिए, तब ये ट्रिक काम करेगी। ये हमारा वो आइटम हैगा और हमारे पास 3900 पहले टोकन थे, अभी भी हैं। जब हमने खरीदा था तो 400 बचे थे, तो वापस से हमारे पास टोकन भी उतने हैं। अब आप फ्री में आइटम कोई से भी ले सकते हैं, फ्री में आइटम कोई भी ले सकते हैं, और इसी ट्रिक का यूज़ करके आप जितने चाहे उतने आइटम ले सकते हैं, जितने चाहे उतने। और आप इसी तरह वीडियो को, मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करो और अपने सारे दोस्तों को बताइए इस ट्रिक के बारे में, ताकि कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा आइटम फ्री में ले सकें।